हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप। आई एम योगिता। वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफ साइट विजिट। आज मैं आपको लेकर आई हूँ प्रोजेक्ट ओमेगा सिटी में, जो कि चंडीगढ़ एंड लुधियाना हाईवे पे है। अगर मैं इसकी कनेक्टिविटीज़ की बात करूँ तो ये 2 मिनट्स अवे है फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, 5 मिनट्स अवे है एयरपोर्ट रोड से, 10 मिनट्स अवे है चंडीगढ़ से एंड 7 मिनट्स अवे है मैक्स हॉस्पिटल से। तो अगर मैं प्रोजेक्ट ओमेगा सिटी की बात करूँ तो ये गेटेड सोसाइटी है जिसमें 24/7 सिक्योरिटी होगी। एंड इस प्रोजेक्ट में हम आपको 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में आपको 2 BHK का सैंपल फ्लैट दिखाएंगे, जिसका जो साइज होगा वो 1000 स्क्वायर फीट है। नाउ लेट्स गो टू द एंट्रेंस ऑफ द फ्लैट। एंट्रेंस पे ये जो आपको डोर दिख रहा है, सेम एज इट इज, 8 सीट वुडन डोर प्रोवाइड किया जाएगा विद डिजिटल लॉक, जो कि बायोमेट्रिक एंड पासपोर्ट से जो है आपका ओपन होगा। सो गाइस, आफ्टर एंट्रेंस हमारा स्टार्टिंग जो एरिया होगा वो ड्राइंग एरिया होगा, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। आप देख सकते हैं कि हमने जो है 5 सीटर सोफ़ा कम बेड जो है यूज़ कर रखा है। तो एज इट इज़ आप भी जो है सेम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ताकि एंट्रेंस से ही आपकी बहुत अट्रैक्टिव लगे। अगर मैं सीलिंग की बात करूं तो हम सेम एज इट इज़ आपको वुडन सीलिंग जो है प्रोवाइड कर रहे हैं विद LED लाइट्स, एंड इसमें आपको झूमर का एक प्रोविजन भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ जो सामने फ्रंट वॉल है वो हमने LED वॉल के लिए यूज़ की गई है। आप सेम एज इट इज़ LED वॉल जो है बना सकते हैं, ताकि आप लॉबी में ही बैठ के इंजॉय कर सकें। एंड इसके साथ कैबिनेट्स जो हैं वो भी हैं, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगेंगे। इसी के साथ हम आपको एक विंडो भी दे रहे हैं, ताकि आप सनलाइट एंड वेंटिलेशन की आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये जो आप वॉल देख रहे हैं, ये सेम वुडन वॉल जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। इन स्पाइट ऑफ दिस, अगर आप स्लाइडिंग डोर चाहते हैं तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है डाइनिंग एरिया। ये हमारा डाइनिंग एरिया, हमने जो है 4 सीटर डाइनिंग टेबल यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं कि आप ये बहुत ही स्पेशियस है, सेम एज इट इज़ जो है आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया की बात करूं, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो 10x18 है। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। आप सामने वाली वॉल देख सकते हैं कि बहुत ही यूनिक डेकोरेशन पीस जो है हमने यूज़ किया हुआ है विद दिस क्लॉक, जो कि बहुत एंटी क्लॉक है, बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। इसी के साथ हमारा वॉशरूम होगा, जो कि कॉमन वॉशरूम भी आप कह सकते हैं, जिसकी कनेक्टिविटी जो होगी वो बेडरूम 1 से भी होगी। अगर मैं वॉशरूम की बात करूं तो इसका जो साइज़ है वो 5x7 है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर जो है हमने यूज़ किया गया है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है एंड एलिगेंट है, देखते ही मन करता है बंदे का आने का, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो। जो फिटिंग्स हैं हमने यूज़ की गई हैं वो जैगुआ फिटिंग है। आप टाइल्स की अगर बात करूँ तो बहुत ही डिसेंट एंड प्यारी सी टाइल्स यूज़ की गई हैं, अट्रैक्टिव हैं, विद विंडो जो कि सनलाइट एंड वेंटिलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड ये देख सकते हैं आपकी सेकेंड हमारी जो होगी एंट्रेंस होगी, जो कि बेडरूम 1 से होगी। आफ्टर ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया, हम इसी के साथ एडजॉइनिंग होगी आपकी किचन। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अवर किचन, जिसकी साइज़ होगा 10x6 का। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस एंड वाइड है। अगर मैं कैबिनेट्स की बात करूं तो ये बहुत ही प्यारे कैबिनेट्स हैं, जो कि हाइड्रोलिक फिटिंग्स यूज़ की गई है हमने इसमें विद सॉफ्ट क्लोजर। एंड ये भी आप देख सकते हैं सेम एज इट इज़ जो है हम आपको
प्रोवाइड कर रहे हैं विद चिमनी। आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक जो है हमारी चिमनी होगी विद सेंसर बेस्ड। इसी में हम आपको वॉशिंग एरिया जो है प्रोवाइड कर रहे हैं विद जैगुआर फिटिंग्स, जो कि रेक्टेंगुलर इन शेप होगा। सामने आपकी विंडो होगी फॉर वेंटिलेशन एंड सनलाइट। सो गाइस, अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। सो गाइस, दिस इज अवर फर्स्ट बेडरूम। अगर मैं साइज की बात करूं तो इसका साइज है 10.5x12। आप देख सकते हैं कि आफ्टर बेड जो है हमारे पास बहुत ही प्यारा मूविंग स्पेस जो है बचा हुआ है। अगर मैं स्पेस की यूटिलाइजेशन की बात करूं तो हम दोनों तरफ जो है आपको वार्डरोब्स प्रोवाइड कर रहे हैं सेम एज इट इज, एंड साथ में जैसे ये ड्रेसिंग एरिया है सेम ऐसा आप बना सकते हैं ताकि स्पेस जो अच्छे से यूटिलाइज हो जाए। अगर मैं सामने वाली वॉल की बात करूं तो हम सेम एज इट इज़ आपको वॉलपेपर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपकी रूम की डेकोरेशन जो होगी बहुत प्यारी लगेगी। सीलिंग की बात की जाए तो सेम डाउन सीलिंग जो है प्रोवाइड की जाएगी विद LED लाइट्स, जो कि रूम को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। टाइल्स की बात की जाए तो पूरे फ्लैट में सेम वर्टिफाइड टाइल्स का यूज़ किया जाएगा, एंड साथ में आपकी जो होगी अटैच्ड बालकनी होगी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वाइड है। अगर मैं इस डेकोरेशन की बात करूं इस रूम की, तो हमने सेम कलर का कंट्रास्ट जो है यूज़ किया गया है। लाइक अगर आप वॉल देखेंगे तो कॉफ़ी शेड यूज़ किया गया है, बेडशीट का भी ऑलमोस्ट मैचिंग है, कर्टन्स जो है सेम है, तो इससे आपका जो रूम है बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट लगेगा। इसी के साथ हमारा अटैच्ड वॉशरूम है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। साइज़ की बात करूं तो 5x7 साइज़ होगा, एंड इसमें हम जो फिटिंग्स दे रहे हैं आपको सेम जैगुआर फिटिंग्स दे रहे हैं। जो टाइल होंगी वो बहुत ही डिसेंट हमने टाइल यूज़ की गई है। विद विंडो फॉर सनलाइट एंड वेंटिलेशन। सो गाइस, ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। आइए चलते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम की तरफ। सो गाइस, ये हमारा सेकंड बेडरूम। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो ये भी 10.5x12 का बेडरूम होगा हमारा। आप देख सकते हैं कि आफ्टर बेड भी जो है हमारा स्पेस जो बच रहा है मूविंग के लिए वो बहुत है, बहुत अच्छा है। एंड अगर मैं वॉल की बात करूं तो सेम वॉलपेपर एज इट इज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड ऑफ कोर्स आपके पास कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सीलिंग जैसे आप देख रहे हैं सेम एज इट इज आपको प्रोवाइड की जाएगी विद LED लाइट्स, एंड फ्लोरिंग मैंने आपको बताया ही था कि पूरे फ्लैट में हम वर्टिफाइड टाइल्स का जो है यूज कर रहे हैं। एंड यहाँ से मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि वॉशरूम का हमने एक डोर दे रखा है एक्स्ट्रा, ताकि आप अटैच्ड वॉशरूम भी जो है यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम सेम जो आप देख रहे हैं वार्डरोब एज इट इज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि वॉल टू वॉल है एंड बहुत स्पेशियस है। इसी के साथ हमारी अटैच्ड बालकनी होगी, जो कि बेडरूम वन से भी अटैच्ड है। के साथ हमारा स्टोर रूम भी होगा, जो कि बहुत स्पेशियस है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा 2BHK फ्लैट, जिसका साइज है 1000 स्क्वायर फीट। अगर मैं अमेनिटीज की बात करूं तो जो ओमेगा सिटी है वो हाईवे से एकदम कनेक्टेड है। दैट मीन्स कि ऑन रोड यानी ऑन हाईवे जो है आपका प्रोजेक्ट होगा। अगर मैं वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो जो वाटर सिस्टम है वो कंसंट्रेटेड सीमेंटेड वाटर टैंक्स होंगे, जिसका साइज़ होगा 5x20। एंड अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूं तो इसमें 20,000 लीटर पर टैंक जो होगा स्टोरेज होगा, और ये हर ब्लॉक में 4 टैंक्स होंगे और जिसका ओनर के पास पेटेंट राइट है। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं
तो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो हॉट लाइन पावर ग्रिड होगी. दैट मीन्स नो ट्रांसफॉर्मर. एंड जो कि फिलहाल सिर्फ सिविल हॉस्पिटल एंड ओमेगा सिटी के पास ही राइट है. जो सिक्योरिटी चेक होगा वो 24/7 होगा. आपकी फैमिली एंड चिल्ड्रन जो होंगे सेफ रहेंगे. एनवायरमेंट बहुत अच्छा है. इसी के साथ सोसाइटी में एक क्लब हाउस भी होगा जिसमें स्विमिंग पूल होगा, जिम होगा, योगा एंड स्पा होगा. सो बहुत सारी अमेनिटीज़ हैं इस सोसाइटी में. ऑलरेडी 400 to 500 फैमिलीज जो हैं यहाँ रह रही हैं. सामने ही आपका जो है बूथ सेशन होगा. डे टू डे ऑपरेशन नीड्स की मार्केट है. सो आपको हर एक बेनिफिट एंड अवेलेबिलिटी यहाँ पे है. अगर मैं कनेक्टिविटी की दोबारा बात करूँ तो 10 minutes अवे होगा चंडीगढ़ से, 5 minutes अवे होगा एयरपोर्ट रोड से, 2 minutes अवे फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड 7 minutes अवे फ्रॉम मैक्स हॉस्पिटल. सो गाइज, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए एंड जल्दी से जल्दी विजिट शेड्यूल करिए. थैंक यू.